हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ ब्लाउज की कटिंग सीखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइबर लिखा हुआ है वहाँ दबाएं और पास ही बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। मैंने दो भाग में फोल्ड कर लिया है कपड़ा और बंद भाग को अपनी साइड रखेंगे। यहाँ ब्लाउज की लंबाई 15 इंच में निशान लगा देंगे। आपको जितनी भी लंबाई चाहिए वो उसमें एक प्लस कर आप यहाँ लंबाई का निशान लगा देंगे। हम शोल्डर लेंगे 6 इंच, हमारे शोल्डर 12 इंच हैं, तो हम यहाँ शोल्डर का आधा भाग 6 इंच पर निशान लगाएंगे। आर्म होल के लिए हम शोल्डर से आधा इंच ज़्यादा यानी 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इन दोनों को मिला देंगे। आर्म होल की गोलाई देने के लिए हम पीछे के भाग में 1.5 इंच की गोलाई देंगे। यहाँ पर हम 1.5 इंच का एक निशान लगा देते हैं और इसे गोलाई दे देते हैं। हम चेस्ट के चौथा भाग नो और उसमें मार्जिन के लिए 2 प्लस करेंगे 11 इंच और 1 इंच हम टक्स के लिए एक्स्ट्रा लेंगे, तो हम यहाँ पर 12 इंच का एक निशान लगाएंगे। ब्लाउज की और कमर पर हम 1 इंच माइनस करके 11 इंच का निशान लगा देंगे। अब इसे हम कट कर लेते हैं। अब ऐसे ही हम आगे के भाग की कटिंग करेंगे। यहाँ शोल्डर पर 6 इंच का निशान लगाएंगे। और आर्म होल के लिए हम 6.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। और इन दोनों निशान को मिला देंगे। आगे के भाग में हमें गोलाई 1 इंच की देनी है। पीछे बैक पार्ट में हम 1.5 इंच की गोलाई देंगे आर्म होल में और आगे के भाग में 1 इंच की। अब हम यहाँ बैक पार्ट की तरह ही चेस्ट का चौथा हिस्सा और 2 मार्जिन लेकर निशान लगा लेंगे। आगे के भाग की लंबाई ब्लाउज की 15 इंच। यहाँ हम बिना बेल्ट वाला एक टक्स का ब्लाउज बना रहे हैं। इसमें बेल्ट हम ऊपर से अटैच करेंगे। यहाँ गले की चौड़ाई 3 इंच, आगे के भाग की गले की चौड़ाई और लंबाई हम यहाँ पे रख रहे हैं 6 इंच। आप चाहें तो इसे घटा या बढ़ा सकते हैं। अब हम इसको कट कर लेते हैं। ये हमारे बैक और फ्रंट पार्ट तैयार हैं। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स कटिंग के लिए 4.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। स्लीव्स की लंबाई 4.5 इंच और खुले भाग की तरफ हम 2.5 इंच का एक निशान लगाएंगे और इन दोनों को मिला देंगे। अब 1/2 इंच की गोलाई देकर हम इसको कट कर लेंगे।
ऐसे ही अपने ब्लाउज के मेन फैब्रिक को इस अस्तर पर रखकर उसकी कटिंग कर लेंगे। हमने पीछे के गले की कटिंग चौड़ाई 3 इंच और लंबाई 9 इंच, आप यहाँ चाहें तो अपने हिसाब से लंबाई बढ़ा या घटा सकते हैं। यहाँ ऊपर से हम एक 4 इंच का निशान लगाएंगे। और एक सेंटर में जो गले की चौड़ाई है वो हम 4 इंच रखेंगे, ऊपर 3 इंच रहेगी और सेंटर में 4 इंच। इन दोनों निशान को हम मिला देंगे और ऊपर वाले भाग में हम गोलाई दे देंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अब पीछे के दोनों भाग को हम अलग कर लेंगे। हम यहाँ पीछे हुक और हाई लगाएं। हमारे ब्लाउज की कटिंग पूरी हो गई है। अब नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी कि इसे स्टिच कैसे करते हैं और इसमें बेल्ट कैसे अटैच करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।